गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा प्लान हुआ है दलमा जाने का। तो बच्चों ने भी जिद किया कि पापा आज वेदर अच्छा हो रहा है, चलिए दलमा चलते हैं। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और हम लोग दलमा के मोड़ पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ सामने दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, उतनी हिंदी मेरी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल दलमा के रूट पर हम लोग आ चुके हैं और ये अभी सीधा रास्ता जो जा रही है यहाँ से भी हम लोग सीधा स्टेट जाएंगे। स्टेट जाके एक यहाँ से 1 किलोमीटर जाने का फिर राइट टर्निंग लेके दलमा की तरफ हम इनसाइड अंदर घुसेंगे। बट पहाड़ नहीं चढ़ेंगे फ्रेंड्स, पहाड़ इसलिए नहीं चढ़ेंगे कि थोड़ा बरसात का सीज़न है, मौसम सही नहीं है। कब मौसम ख़राब हो जाए तो वो रोड अच्छा नहीं है पहाड़ चढ़ने के लिए इस सीज़न में। बट वहाँ पर आज संडे का दिन है तो बहुत सारी फैमिलीज आते हैं। तो आज हम लोग प्लान किए कि दलमा तरफ एक राउंड मार ले, वहाँ एक स्मॉल सा ब्लॉग बना ले आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं दलमा का आज वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया दलमा का। देखिए अभी हम लोग हाईवे से जस्ट अंदर आ चुके हैं, बस हम लोग यहाँ से सीधा अभी हम लोग निकलेंगे दलमा के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और देखिए दलमा का एक खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत सारे खूबसूरत लोकेशंस मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट हमारे जो भी नए व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस में पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ होती है व्लॉगिंग की उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हमारे जो भी पुराने व्यूवर्स हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें मैसेज करिए, हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स दलमा की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है दलमा जाने का, आप लोग देखते रहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, प्लस वेदर आज बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज दलमा जाने का मज़ा एक अलग है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दलमा में आपका स्वागत है, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे फ्रेंड्स और इस जर्नी का मज़ा लें। फ्रेंड्स अभी दलमा के रूट में हमें एक चापानल मिला, तो बच्चों ने कहा कि पापा चापानल में रोको क्योंकि ये चापानल अब हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ अभी हवा बहुत ठंडी चल रही है और चापानल में एकदम फ्रेश पानी आ रहा है, तो बच्चे लोग यहाँ मुंह धोने चाह रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं लोग इन्जॉय करें पानी में, सर सर नहीं भिगाना बेटा। और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा, हवा बहुत अच्छी चल रही है, धूप है बट मगर हवा बहुत प्यारी है, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है आज। आप आसमान देख सकते हैं, देखिए तो यहाँ बच्चे थोड़ा मुंह धो ले, मुंह धोने के बाद थोड़ा 5 मिनट हम लोग रिलैक्स फील कर ले, उसके बाद फिर हम लोग दलमा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, आगे मिलते हैं दलमा लोकेशन पे फाइनली। तो फ्रेंड्स ये दलमा के रूट में गवर्नमेंट स्कूल है छोटा सा, ये उन बच्चों के लिए है जो यहाँ जो कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता की जो शायद अर्निंग पैसों की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग ऐसे सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई यहाँ भी अच्छी होती है बट हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इस स्कूल को वैल्यू ज़्यादा नहीं देते हैं गवर्नमेंट स्कूलों को, तो इधर ध्यान देना चाहिए बच्चों पर भी, यहाँ की पढ़ाई पर भी, यहाँ भी अच्छे बच्चे निकलते हैं पढ़ के। और ये सिटी से बहुत दूर है करके ये भी एक प्रॉब्लम है, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से शायद गार्जियन इतना दूर नहीं भेज पाए, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आज संडे का दिन है तो स्कूल बंद है,
स्कूल का नाम है चिल्गू चकुलिया, आगे का हिंदी मुझसे पढ़ा नहीं जाता है परफेक्ट, उभा विश्व चिल्गू चकुलिया, आप लोग देख लीजिए समझ जाइए। ओके तो फ्रेंड्स अभी हम लोग दलमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो हम लोग अभी दलमा के एंट्रेंस पे आ गए हैं रोड से होते हुए, अब यहाँ से देख सकते हैं दलमा का बोर्ड है ये, अभी यहाँ से जो राइट रास्ता जो ये अंदर जा रहा है, यहाँ से भी हम लोग दलमा के लिए इनसाइड अंदर घुसेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो गाइज अभी हम लोग दलमा बस कुछ ही दूरी पे है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं। आप दलमा के इनसाइड देख, कच्चा रास्ता है, पीली मट्टी वाला रास्ता है, बारिश के टाइम में थोड़ा ये रास्ता प्रॉब्लम करता है, बट अभी बारिश नहीं हुई है तो रास्ता अच्छा है, वेदर अच्छा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। देखिए लोकेशन आप देख सकते हैं, और बी केयरफुल, इस लोकेशन पे अक्सर हाथी निकला करते हैं, तो जब भी आप यहाँ से गुजरे अगर हाथी निकले तो अपनी गाड़ी को रोक ले और हॉर्न वगैरह कम यूज़ करें यहाँ पर ही, क्योंकि जानवर हॉर्न बजाने से डिस्टर्ब होते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, दलमा पहुँच के आपके साथ हम लोग वीडियो शेयर करते हैं। और तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग दलमा आ चुके हैं। दलमा में एंट्री से पहले एक ये टिकट लेना पड़ता है, आप देख सकते हैं टिकट में, ये टिकट है, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर और प्लस कितने लोग हैं, ये एंट्री करके ये लोग जाने देते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी एक तरह की सेफ्टी है जो ज़रूरी है कि इनके नॉलेज में रहेगा कितने लोग अंदर गए हैं, कौन सी गाड़ी पे गए हैं, मोबाइल नंबर ये लोग लेते हैं। और टिकट चार्ज हम लोगों का लगा 26 रुपीज़, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप लोग भी आए तो टिकट ले और टिकट लेके जाएं, आपकी सेफ्टी रहेगी और आपकी फैमिली की सेफ्टी रहेगी। अब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग टिकट लेने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद जस्ट लेफ्ट साइड में ही एक रास्ता जाता है, वहाँ पर ही ये हिरन जो है डियर्स है, डियर्स का यहाँ पालन पोषण होता है, ये हमारी झारखंड सरकार के अंडर में निगरानी में होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग पालन पोषण करते हैं। आप डियर्स की कंडीशन, उनकी हेल्थ देख के समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे से इनका पालन पोषण होता है। बहुत सारे डियर्स हैं, आप ही देखिए एक डियर्स हमारे करीब आ रहा है देखकर, वो सोच रहा है कुछ खाने का शायद मैं दूंगा, बट अभी हमारे मेरे पास कुछ पत्ते होते हैं नहीं। और यहाँ देखिए बहुत सारे डियर्स देखिए बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका साइज बहुत बड़ा है, बड़े साइज का डियर है ये। तो ये जो सारे डियर का पालन पोषण जो हो रहा है ये झारखंड सरकार के अंडर में है और अच्छे तरीके से हो रहा है। ये दलमा में बहुत बड़े लोकेशन पे, इस लोकेशन पे इनका पालन पोषण किया जाता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और किसी को अनऑथराइज एंट्री नहीं है अंदर, जो यहाँ के लोग हैं वही जा सकते हैं, हमें बाहर वाले लोगों को जाने का अलाव नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाहर के लोग बदमाशी करते हैं, कुछ लोग आके उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ गलत चीज़ हो सकता है उनको खिला दे, जो इन लोगों के लिए नुकसान है। और अभी बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं डियर्स के। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक प्यारा सा डियर। हाँ बेटा, पता नहीं है बेटा, फिर तोड़ना होगा पापा को ना, अब टाइम नहीं है बेटा, देखो वेदर ख़राब हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं अब वेदर धीरे धीरे शायद बिगड़ रहा है, अब क्योंकि बरसात का सीज़न है, अब हो सकता है बारिश हो जाए, और हम दलमा लोकेशन पे है तो इस लोकेशन पे बारिश होने के बाद हम फंस जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादातर हम लोग स्टे नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ जहाँ तक हम वीडियो बनाएंगे, हमारे साथ वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन होती है वीडियोस की वो आपको मिलेंगी। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं, मेहनत करते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात हर मौसम में हम लोग मैनेज करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हम और बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारी फैमिली को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब छोटा सा डियर का बच्चा है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, अभी हमें देख के बाहर से बहुत दूर से हमें देख कर आया कि लगा कि शायद हम लोग कुछ खिलाएंगे उसे, बट हम लोग खिलाना नहीं चाह रहे क्योंकि यहाँ पर ये लोग पालते हैं, अगर हमारे हाथ से कुछ खिलाएंगे हो सकता है उसे नुकसान हो जाए तो बात हम पे बुरी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग नहीं चाह रहे कि उन्हें बाहर का कुछ आइटम खिलाए, तो बेहतर है ना खिलाए आप लोग। और यहाँ अगर कोई यहाँ का लोकल लोग है
तो जो यहाँ पर इनका पालन पोषण कर रहे उन लोगों से पूछिए, उन लोगों के इन्फॉर्मेशन से अगर वो लोग बोलते हैं हाँ ये पत्ते आप खिला सकते हैं, उनसे पूछ के ही कुछ भी खिलाइए इन्हें, कि इन्हें कुछ नुकसान ना हो। हम कुछ बाहर खिलाएंगे, हो सकता है इन्हें नुकसान हो, तो आप उनसे पूछ के ही अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये पत्ता खिला सकते हैं तो आप इन्हें खिलाइए। तो ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। वेदर को देख के ध्यान में रख के हम लोग अपना प्लान सब करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आगे जो भी वीडियोस दलमा से रिलेटेड बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियोस में बने रहे फ्रेंड्स। तो गाइस, अब हम लोग यहाँ वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग दलमा के ऊपर पहाड़ तक नहीं जा सके क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, और वहाँ ऊपर जाने में हो सकता है बारिश का मौसम हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए, रास्ते अच्छे नहीं वहाँ के, बच्चे हमारे साथ हैं, फैमिलीज़ है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करेंगे पहाड़ का रास्ता सारा कुछ, बस ये दलमा के एंट्रेंस तक हम लोग आए और डियर वाली लोकेशन पे गए, वो आप लोगों से हम लोग शेयर कर रहे हैं। मेन लोकेशन यही है, और ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर ही मंदिर से है, और मंदिर से और रास्ते बस खूबसूरत है, वो आप देख सकते हैं, मतलब हिल का हाइट एरिया है, तो वहाँ से एक अलग लोकेशन नज़र आता है, नज़ारा आता है नज़र, तो वहाँ हम लोग ज़रूर प्लान करेंगे। थोड़ा सा आज वेदर गड़बड़ होने की वजह कर हमारा प्लान चेंज हो गया है, तो फिर सभी हम लोग दलमा से रिटर्न हो रहे हैं अपने घर की तरफ। बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें कुछ परेशानी हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हम, तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं अपने सारे व्यूवर्स से, हमारे सब्सक्राइबर से और न्यू व्यूवर्स से जो हमारी वीडियोस पहली बार आया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे, और हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल बहुत आगे जाएगा और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बना के लाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।